हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम सूजी चॉकलेट केक बना रहे हैं। चलिए हम बनाना शुरू करें। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें, उसी से सारा हमने मेज़रमेंट करना है। एक कप सूजी ली है, हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें एक कप सूजी डालेंगे। उसी कप का आधा कप हम चीनी डालेंगे। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा डालना चाहती हैं तो बस थोड़ी सी ही ज़्यादा डालेंगी, एक कप नहीं करिएगा। हम चीनी और सूजी को ग्राइंड करेंगे। सूजी और चीनी अच्छी तरह ग्राइंड हो चुकी है, अब हम इसमें 1/4 कप देसी घी का डालेंगे। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहती हैं तो आप ऑयली ऑयल या रिफाइंड भी डाल सकती हैं। अब हम इसी में ही आधा कप फ्रेश दही डालेंगे। कप ही रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डालेंगे। 1/4 कप ही कोको पाउडर डालेंगे, मतलब 1/4 का मतलब ये हुआ कि 3 से 4 चम्मच। सभी को हमने अब ग्राइंड करना है से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक स्मूथ बैटर बन जाए। हमने सभी को अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया और एक स्मूथ बैटर बन चुका है को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अगर आपको लगे कि बैटर हमारा थिक हो गया है तो थोड़ा सा इसमें दूध डालें। छोटा चम्मच हम वेनिला एसेंस का डालेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर में हम एक चम्मच इनो पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक ही तरह से हमने मिक्स करना है। केक टीन को हम अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। हमारा ग्रीस हो चुका है। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहती हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डालें और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह फैला दें। हम इसमें अपना बैटर डालेंगे। थोड़ी सी ऊंचाई से डालें बैटर को। एक टीन को हम हल्का सा टैप करेंगे कि इसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाएं। भी ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश करें। केक को हम कढ़ाई में बना रहे हैं इसलिए हमने इसे पहले ही 10 मिनट प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें केक टीन रखेंगे और इसे कवर करेंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद चेक करेंगे। वैसे पूरे 45 मिनट इसको लगेंगे पर आप 20 मिनट बाद हल्का सा कवर हटाकर चेक ज़रूर करें। ये लो आंच पर बनाया है, 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करें। ये देखिए हमारा चाकू बिल्कुल साफ आ रहा है, इसका मतलब ये केक बन चुका है। गैस ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर निकालेंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब इसको चारों ओर से हम इस तरह नाइफ से करेंगे और निकालेंगे। देख सकती हैं कितना स्पंजी बना है। इसे मैं नीचे की तरफ से दिखा रही हूँ, अब मैं अपर पोर्शन इसका दिखाती हूँ। अब हमने फ्रंट पोर्शन टर्न कर लिया है, आप देख सकती हैं कितना स्पंजी बना है। इसे हम अब काट कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारा सूजी स्पंजी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।